हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं कि आप सभी ठीक होंगी। तो गाइस, हमारे यहाँ पर मंदिर में सावन, जब से सावन चालू होता है तो यहाँ पे पंडित शिव महापुराण का पाठ करता है। देखिए, आपको आवाज़ आ रही होगी। और रोज़ डेली होता है शिव महापुराण का पाठ। आ रही है ना आवाज़ गाइस? और हमारे पेट पे एक दो अमरूद लगे हुए हैं और हमारा हाथ नहीं जाएगा। खून तोड़े किसने तोड़वाए? तो मैं डंडे से भी तोड़ना चाहिए। ये देखिए भाई, हमारे बच्चे कितने लापरवाह हैं। ऊपर का गेट हमेशा खुला ही छोड़ देते हैं। और गांव में एक बंदर आया हुआ है। देखिए गाइस, कितनी ही कैड़ी धूप है। बजे हुए हैं 4, 4:30 का टाइम हो रहा है और धूप इतनी तेज है, बहुत ज़्यादा। तो उस बंदर ने इतना आतंक मचा रखा है, किसी के फ्रिज में से कुछ निकाल के ले जाता है, किसी के कपड़े उठा के ले जाता है। तो हमने बच्चों को बोला हुआ है कि दरवाजे बंद रखा करो, पर ये बच्चे सुनते ही नहीं हैं। तो ये तार कहाँ लटक गई, ये चाकू से काटनी पड़ेगी, ऐसे तो कटेगी नहीं है। तो ये देखिए, कमरा भी खुला छोड़ रखा है। और जिस दिन बंदर अंदर घुस गया कमरे में, तो इनके लैपटॉप की और कंप्यूटर की तो खैर नहीं है, जब पता चलेगा इन बच्चों को। और यहाँ से दीवार पर से उतर के अंदर आ जाता है ये बंदर। तो मैं कह कर देती हूँ गेट बंद और चलती हूँ नीचे। ठीक गाइस, आज मैं सांभर और इडली बनाऊंगी। तो देव लेके आया है कड़ी पत्ते की टहनी तोड़कर, ये ज़रूर डालनी पड़ती है हमें इडली और सांभर में, इसके बिना टेस्ट अधूरा रहता है। तो ये बहुत ही मुश्किल से जाता है। देव कहता है मम्मी मैं नहीं लाऊंगा, और जब गौरव डांट लगाता है ना, जब जाता है ये। तो देखिए गाइस, हम भी कभी अपने प्लॉट में कड़ी पत्ते का पेड़ ज़रूर बोएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, हर डिश में पड़ सकती है ये, और साउथ इंडियन खाने में तो ये ज़रूर ही डाली जाती है। और ये शरीर के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसको कड़वा नीम, वो मीठा नीम बोलते हैं इसको, हाँ मीठा नीम बोलते हैं इसको। ये देखिए गाइस, और ये मंगाई थी हमने सूजी, जिसको बोलते हैं रवा। तो इसकी बनाई है इडली। तो सांभर तो बनने के लिए हमने रख दिया है गैस के ऊपर। तो ये देखिए गाइस, ये कौआ है जो रोज़ बोलता है और उड़ जाता है। पहले के टाइम में कहते थे कि कौआ बोलता था जब घर में आके तो कोई मेहमान आता था, और ये हमारे घर में बहुत दिन से बोल रहा आकर। तो अभी तक तो हमारे घर में कोई मेहमान आया नहीं है, पता नहीं क्यों बोलता है। शायद हमने छत पर दाना पानी डाला है इसलिए बोल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। पर ज़्यादातर कौए जब भी बोलते हैं जब घर में कोई मेहमान आता है। ये देखिए, तो ये देखिए गाइस, हमारा बेटा गया था देव लेने के लिए सांभर मसाला। ये है बेटा, पैसे की बच्ची बाबू कहाँ जा रहा है? तो देखिए, सांभर मसाला खत्म हो चुका था, लेकर आ गया है देव सांभर मसाला। और ये मंगवाई हमने मोटी सूजी। मोटी सूजी है ये, कही थी उसने मोटी सूजी होनी चाहिए। कई बार ये दुकान वाले ना बिल्कुल बारीक सूजी दे देते हैं, तो उसकी इडली सही नहीं बनती। तो हमने मंगाई है मोटी सूजी, वो बारीक वाली भी काम आ जाएगी उत्पम वगैरह बनाने के लिए। और ये मंगाया है हमने अमचूर पाउडर। देव देखिए, हमने इस लड़के से मंगाया था अमचूर पाउडर और ये लेके आया है गरम मसाला। मैंने तेरे को अमचूर पाउडर बोला था या गरम मसाला बोला था? गरम मसाला ठाके ला रहा है। इधर आओ भाई, इधर आओ अमन जी। फिर क्यों यार? तो ये देखिए, आ जा मैंने। फिर क्यों यार? गरम मसाला तो हमारे पास था, हमको अमचूर पाउच चाहिए थे। तो आपने गलती कैसे करी बच्ची? भटका ना हूँ हटके तो मैं भेड़ी। हटके तो मैं भेजूंगी भाई। अमचूर पाउच मंगाया था कि ये मंगाया था? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता है बच्चों, तुम्हारा दिमाग भटका रहता है। मंगाते तो कुछ है, लाते तुम कुछ हो। अब मैं ये सभी सब्जियां डब्बे में डालकर रख दूंगी। पहले तो रखूंगी टमाटर, फिर
देखिएगा गाइस कभी भी सब्जी रखे ना धोकर, तो इसलिए पहले कपड़े पर डाल लें और फिर फ्रिज के अंदर रखें, क्योंकि इनका सारा पानी कपड़ा सोख लेता है, तो ये ख़राब नहीं होती फिर, ज़्यादा दिन तक चल जाती है सब्जी। ओहो आज तो फ्रिज में जगह ही नहीं है, क्या करें। गाइस मैं अभी ये शिमला मिर्च भी फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। चलो भाई जाओ आगे। तो ये देखिए आ गई है हमारी ननद लीला, ये आई है जाप्पे में, क्योंकि सुनील के हुआ है लड़का। ए पुजी लीला आ गई है। ए लीला हेलो, राम राम। और ठीक है? ठीक है। अगे नाऊंगी जब तो थैला थैला दे के जा। ये देखिए आ गई है लीला, ये देखिए हमारी नन दे रही है जलेबी। अच्छा माथू राम की ला रही है की? बस ले रखा हमारी बड़ी छलिया। ठीक है तो लीला कर आराम, फिर मिलेंगे। हाँ ये वहाँ बने हैं ना होंगे ना। ये देखिए दीदी ने काट ली है सब्जी, आज बनाएंगी आलू मटर, फिर सवेरे भी काम आ जाएगा ना ये बना के। सवेरे अगर भी तरता नहीं तो है ही, ये तो खाऊंगे। कहाँ? दिल्ली जा रहा पास बनवाने। बलराज आज बनाई है हमने इडली सांभर, हम बनाऊ में दू इसका साथ चटनी बनाने में, क्योंकि चटनी बनाने में मैं माहिर हूँ। आओ हेलो गाइज, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइज ओके बाय, गुड नाइट, सी यू शुभ रात्रि।